हेलो एवरीवन, अलसायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शब बारात में अक्सर बनता है और हम नॉर्मल डे में भी बनाकर खा सकते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए इसके मेन इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। ये मैंने 500 ग्राम सूजी लिए, ये बारीक वाली सूजी ली है, इससे हलवा बहुत अच्छा बनता है। और 500 ग्राम ही शुगर ली है, 250 ग्राम मैंने देसी घी लिया है और 200 ग्राम के करीब मैंने दूध लिया है। आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके घर में जो मौजूद हैं या आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने किशमिश लिए, 2 टेबल स्पून बादाम लिए, 2 टेबल स्पून इसमें पाचो मगज़ लिए, 2 टेबल स्पून चिरौंजी लिए, 2 टेबल स्पून हमने नारियल की किरी लिए और 2 टेबल स्पून हमने कटा हुआ नारियल लिया है और 2 टेबल स्पून हमने पिस्ता लिया है। दूसरी तरफ हमने गैस चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसके अंदर हम सूजी को रोस्ट करेंगे। मैंने 2 बड़े टेबल स्पून ये घी डाला है और ये सारी सूजी हम इसके अंदर डालकर अच्छे से भून लेंगे जब तक भीनी खुशबू नहीं आ जाती। शबे बारात के महीने में ज़्यादातर ये घरों में हलवा बनता है। ये ज़्यादा मकदार में भी बनता है, लोग इसको बांटते भी हैं। ये चिकत्ती वाला हलवा आप बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं और जब भूख लगे या मन करे मीठा खाने के लिए तो आप इसको निकाल कर खा सकते हैं। ये 1-1.5 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। सूजी के हलवे की चिकत्तियाँ हमारी काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी बनेंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो मैंने आपको रेशियो बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप इसी तरह से अपना हलवा बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। रवा हमारा अच्छे से भुन गया है और इसके अंदर से अब भीनी खुशबू भी आने लगी है और ये काफ़ी गुलाबी पन पर भी आ गया है। हमने मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छे से भून लिया है। अब गैस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे अब निकाल लेंगे। दोबारा हमने वही पैन रखा है, इसे अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अंदर हम फिर घी डालेंगे। घी के अंदर हम सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे और भीनी खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स हम आधे आधे डालेंगे और आधे हम ऊपर डेकोरेशन के लिए भी रखेंगे। भीनी खुशबू आने लगी है, इसको हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो हमारा हलवा बिल्कुल बेकार बनेगा। और जल्दी से हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। चिकत्ती का मज़ेदार हलवा बहुत आसानी से बन जाता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ध्यान से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आराम से बन जाता है। 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, इसे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसी पॉइंट पर हम शुगर भी ऐड कर देंगे। ये मैंने 500 ग्राम शुगर लिए, जितनी हमारी सूजी है उतने ही हमने ये शुगर लिए। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं या आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर को कम कर लें। शुगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारी ये चाशनी बन रही है इतने हम थाली भी तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें हलवा जमाना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से इसको सब तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। इससे हमारी कतलियाँ अच्छे से जम जाएंगी और आसानी से निकल भी जाएंगी। आपके पास अगर चकोर ट्रे है तो वो भी ले सकती हैं। अब चाशनी भी चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर भी डाला है। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इससे और भी अच्छा स्वाद आएगा। अब इसके अंदर सारी सूजी डालकर हम मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को अभी हम आहिस्ता कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको कस लेंगे।
इसको आप अच्छे से चलाते रहें, और चलाना बिल्कुल भी बंद ना करें, नहीं तो नीचे से ये लग जाएगा। आप बिल्कुल भी इसको रुके नहीं और कंटिन्यू चलाते रहें। इसको हम 4-5 मिनट तक कंटिन्यू इसी तरह से हम जब पकाते रहेंगे। 4-5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये कढ़ाई से ये छोड़ हलवा छोड़ने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम उठाकर ट्रे में डाल देंगे और इसको चारों तरफ फैला लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स नट हमने बचा के रखे हैं वो चारों तरफ हम फैला लेंगे। इसके ऊपर चिरौंजी डालेंगे, नारियल डालेंगे और काजू बादाम से इसकी डेकोरेशन करेंगे। शबे बारात के महीने में आप ये हलवा ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप खुद भी खाएं और अपनों को भी खिलाएं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आप हाथ से इसको प्रेस कर दें ताकि ये सारे ड्राई फ्रूट चिपक जाएं और निकले नहीं। 10-12 मिनट के लिए हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे, फिर बाद में हम इसको कट लगाएंगे और इसकी चिकट्टी तैयार करेंगे। 10-12 मिनट के बाद हम इसके ऊपर ये कट के निशान लगा लेते हैं। आप थोड़ा इसको हल्के गर्म पर ही लगाएं, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो ये एकदम जम जाएगा और इसके कट नहीं लगेंगे। आप इसको स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में इसको काट लें। सूजी का हलवा बनाने के लिए जो हमने रेशे लिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारा हलवा आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है और ये अभी से जमने लगा है। इसको 1-1.5 घंटे के लिए हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कतलियाँ निकालेंगे। ये अच्छे से जम गया है, अब इसके पीस निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन हमारे ये पीस बनकर निकल के तैयार हो रहे हैं और बहुत आसानी से निकल भी रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से ये चिकट्टी वाला हलवा तैयार कर लिया है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़ुबान पर स्वाद रखना, दुआओं में याद रखना। अपनी आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।